मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह को जितना ईंट बचाना है बचा लें, क्या फर्क पड़ता है, सांच को आंच क्या। सरकार को बदनाम करने के लिए पुराने वीडियो डालकर अगर उसे 2022 का बताएंगे तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह से देश देश का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अगर वो अपराधी पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना बजाना है बजा ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है, सांच क्या। दूसरी बात यह है कि आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो बदनाम करने के लिए, अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आप इस प्रकार का स्तंभ अपनाएंगे। आप IAS अधिकारी हैं, रहे हैं, ITS के एग्जाम दिए हैं, कलेक्टर रहे हैं, और उसके बाद यह स्तंभ कि कोयला चोरी हो, पुराने 2 साल पुराने वीडियो को आप डालेंगे और कहेंगे कि ये 2022 का है, तो सीधा सीधा ये तो अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि सामान्य नागरिक हो तो पर भी कार्रवाई होती, और चूंकि वो और जिम्मेदार हैं, IAS अधिकारी रहे हैं, तो उसका तो अपराध और बड़ा होता है कि आप जानबूझ के प्रदेश में इस प्रकार से वातावरण बनाना चाहते हैं।